हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू और चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल तो सोशल साइंस क्लास टेंथ की वर्कशीट कर लेते हैं अब हम नाइन्टी एट तीस तारीख की मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर क्योंकि मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर में तो सपोर्ट करती है बल्कि वो सेकेंडरी और टर्स सेक्टर्स से में जॉब निकाल कर लोड कम करती है एग्रीकल्चर के ऊपर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक प्री कंडीशन है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट हट सके और पॉवर्टी हट सके हमारी कंट्री से इट वॉज़ ऑल्सो एम जो हमारा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है टू ब्रिंगिंग डाउन रिलीजन रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो रीजन टू रीजन कहीं लोग बहुत अमीर हैं कहीं बहुत गरीब हैं कहीं सुविधाएं हैं कहीं नहीं हैं उन चीज़ों को हटाने के लिए भी हेल्प करता है मैनुफैक्चरिंग सेक्टर वट वॉज़ द एम तो इसका आंसर तो ये हो गया मेन फिलासफ़ी ये आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक वाइज मैनुफैक्चरिंग सेक्टर कंसिडर बैकबोन क्योंकि इससे लोड कम होता है बाकी सेक्टर्स पे फिर फोर फाइव सिक्स की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैंड टू हैंड चलती हैं मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो देखो भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैंड टू हैंड चलती है क्योंकि करते, material, इंडस्ट्री डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को और इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चर के प्रोसेस को एफिशिएंट भी बनाती हैं तो दोनों का आपस में मेल है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल लैंड वाटर पावर कैपिटल एट्सट्रा ओनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर स्टेट ओन्ड ज्वाइंट और कॉपरेटिव सेक्टर के नाम से जाना जाता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस